क्योंकि आजकल जो है ना, जैसे आजकल कहो क्या पुराने टाइम में भी, तो लोग क्या है कि भगवान को, ईश्वर को या कोई ऐसी शक्ति है उसको जरूर मानते हैं। तो ऐसे ही भगवान बुद्ध के समय में एक बहुत ही ब्राह्मण युवक होता है, और उसको उसने क्या है कि सारे जैसे वेद शास्त्र काफी कंठस्थ कर लिए थे, और काफी याद करने के बाद वो उसने सोचा कि आजकल जो है भगवान बुद्ध का, तथागत का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार है, तो क्यों ना मैं उनके पास जाकर के मतलब ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में, कोई जो शक्ति है जो इस संसार को चला रही है, तो ऐसे बहुत से लोगों की मान्यता है, क्यों ना इसके बारे में मैं शास्त्रार्थ करूं, मैं उनसे कुछ जानने के लिए नहीं बल्कि उनको परास्त करने के लिए मैं उनके पास शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। और यह सोच करके उसने काफी अध्ययन किया कि मैं भगवान बुद्ध को किस तरह से मैं परास्त कर सकता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारे लॉजिक इकट्ठे कर रखे थे, बहुत सारे अच्छे तर्क वितर्क, जो भी उसके पास में जाता था उस वो सबको परास्त कर दिया करता था। तो उसने लोगों से पूछा कि मैं भगवान बुद्ध से ईश्वर के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, ईश्वर की सत्ता के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो लोगों ने बताया कि भगवान बुद्ध कभी भी ईश्वर के बारे में वो कोई चर्चा नहीं करते। तो उसको उसको बहुत अजीब लगा, उसने कहा मैं तो जरूर चर्चा करूंगा उनसे, मैं जरूर पूछ के रहूंगा कि आप ईश्वरवादी हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल उसके मन में घूम रहे थे, और सवाल घूमते घूमते उसने मैं निश्चय किया कि मैं भगवान बुद्ध से जरूर मिलूंगा। और जैसे ही अपने शहर को छोड़ करके वो श्रावस्ती की तरफ प्रस्थान करता है, तो श्रावस्ती में वो आता है, वो पता लगता है कि भगवान बुद्ध जो है अभी अभी धम्म देशना करने वाले हैं, तो उसमें धम्म देशना में वो शामिल हो जाता है। धम्म देशना करने के बाद भगवान बुद्ध जैसे लोगों से पूछते हैं, किसी कोई सवाल है, जैसे हम लोग भी पूछते हैं कि किसी कोई प्रश्न तो नहीं है, प्रश्न पूछ सकते हो, तो बहुत से लोग जाने लगे, उन्होंने क्योंकि प्रवचन तो समाप्त हो चुका था। तब उस युवक ने कहा कि मैं आपसे कुछ समय लेना चाहता हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मिल सकते हो, निन्मे बाद में अकेले में मिलना चाहता हूँ आपसे केवल, आप ठीक है आप मिल सकते हो। तो जब सभा समाप्त हो गई, उसके बाद जो है उस युवक को आमंत्रित किया जाता है, सह आदर उसको बैठाया जाता है, तब भगवान बुद्ध उनके सामने पेश होते हैं, उनसे मतलब बोलिए आपकी क्या समस्या है, आप मेरे से क्या पूछना चाहते हो, क्या जानना चाहते हो। तब उस युवक ने कहा कि मैं ये जानना चाहता हूं कि दुनिया में ईश्वर है या नहीं, आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते, अगर नहीं मानते तो क्यों नहीं मानते। तो ऐसे ही मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो कृपया मेरे सवालों का निवारण करें। तो ये सवाल भगवान बुद्ध के सामने उस युवक ने रखे। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नू ठीक है, मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। वो अगर आप मेरी शर्त मानोगे तो फिर मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो उसने कहा ठीक है मैं शर्त मान लूंगा आपकी, तो वो शर्त ये है कि आपको 2 साल तक मेरे साथ, मेरे यहीं पर मेरे बिहार में मेरे साथ मौन रहना पड़ेगा, 2 साल तक मौन रहना पड़ेगा, तब मैं आपके सवालों का जवाब। तो वो जो है उसने कहा कि नो ठीक है, मैं जब आपको वचन दे चुका था, मैं मौन भी रहने का मैं प्रयास करता हूँ। तो उन दोनों में एक एग्रीमेंट हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि 2 साल के बाद मैं आपके सवाल का, हर सवाल का जवाब दूंगा, आपको 2 साल तक मौन रहना है और हमारे साथ रहना है। तो
वो युवक तैयार हो जाता है और उसने जो है तो ठीक है, कब से शुरू करना, तो अभी अभी से शुरू कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो वो ठीक है, तो वो वहीं पर रहना शुरू कर दिया उसने, बिहार में रहना शुरू कर दिया और मौन का पालन करना शुरू कर दिया। और उसको टाइम से खाना जैसे देना, टाइम पे जैसे खाना मिलता था, सब कुछ सारी सुविधाएं थी, खाने की लेटने बैठने की सब सुविधाएं थी। तो उसको 2 दिन के बाद ही बहुत बेचैनी शुरू हो गई। वो क्योंकि होता क्या है कि हम सभी लोगों का मतलब एक स्वभाव होता है बोलने का, हम लोग बोलते रहते हैं, बहुत बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान भगवान बुद्ध ने के वचनों के कारण वो क्यों बंधा हुआ था कि मैं मतलब मौन रहना है मुझे, तो धीरे धीरे क्या उसकी बेचैनी वो बढ़ती गई बढ़ती गई। और धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई तो हुआ क्या कि फिर उसे कभी बेचैनी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, कभी बढ़ जाए, कभी कम हो जाए, वो बेचैन सा रहने लगा। तो इस तरह से उसे जो रहते रहते कम से कम 2 महीने का समय बीत गया। 2 महीने के बाद उसने देखा कि यार ये तो मेरे से रहा ही नहीं जाएगा, बिना बोले बातचीत के मेरे से रहा नहीं जाता। तो उसने क्या काम करा, गुस्से में उसने एक मोटा पत्थर उठाया और पत्थर उठाने के बाद और भगवान बुद्ध जहां बैठे हुए थे उनके पास जाके पटक दिया। और जैसे ही पटक दिया तो भगवान बुद्ध तो वो मन की बात समझते थे, तुरंत समझ गए, बहुत जबरदस्त रिएक्शन आ रहा है, इसको बहुत ज्यादा रिएक्शन आ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, इशारे से उसको कहा ठीक है मैं आपकी बात सुनता हूँ। तो उसको धीरे से जंगल की तरफ ले जाते हैं, घने जंगल, जंगल में तो रहते थे लेकिन और घने जंगल में ले गए। और वहां पर जाते जाते एक बहुत ही सुंदर एक सरोवर हो रहा, एक तालाब होता है, उसका पानी बहुत स्वच्छ था, साफ सुंदर पानी और शांत पानी था। उस पानी को इशारे से बताते हुए भगवान बुद्ध ने उसको कहा कि इसमें देखिए कि आपका आपकी परछाई इसमें दिखाई दे रही देती है, नुगे हाथ दिखाई दे रही है, देखो इसमें आकाश दिखाई दे रहा है, आकाश उसमें चांद भी दिखाई देता है, नुके जी हाँ बहुत ही साफ दिखाई दे रहा, नु ठीक है आप भी दिखाई दे रहे हो, आकाश भी दिखाई दे रहा है और चांद भी दिखाई दे रहा है, नुके जी हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा। तो उसने शांत रह के मौन रह के स्वीकृति दी, हाँ दिखाई दे रहा। उसके बाद जो ठीक है एक बड़ा सा पत्थर उठा के लाओ, थोड़ा सा बड़ा पत्थर लाओ उठा के ले, आप इसको इस तालाब में फेंक दो। तो उसने भगवान बुद्ध के कहे अनुसार तालाब में फेंक दिया। उसके बाद जो है वो तालाब जो है अशांत हो जाता है, उसमें लहरें उठना शुरू हो जाती है, बहुत जल्दी से तेजी तेजी लहरें उठना शुरू हो जाती हैं। तब उसने भगवान बुद्ध ने उसको कहा, उस युवक को कहा कि अब देखिए इसमें आपकी परछाई दिखाई देती है क्या, आप इस आप झांक के देखिए आपका चेहरा इसमें दिखाई देता है। उसने झांक कर देखा, उसने मना में सर हिलाया, नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई देता नहीं दिखाई दे रहा, चांद दिखाई दे रहा नहीं दिखाई देता। तब भगवान बुद्ध ने उसको बताया कि ठीक इसी तरह से हमारा मन होता है, हमारा मन जो मतलब नैसर्गिक तरीके से शांत होता है, लेकिन ये जो लहरें टाइप जो संसार है, ये संसार जो लहरें के रूप में लहरों के रूप में हमारे मन में अंदर घुस गया है, तो वो हमारे मन को अशांत कर देता है और अशांत होने के बाद फिर हम अपने आप को ठीक से देख नहीं पाते, और जब हम अपने आप को ठीक से नहीं देख पाएंगे तो हम अपने संपर्क में भी नहीं रह पाएंगे, और जब हम अपने संपर्क में नहीं रह पाएंगे तो हम जो वर्तमान में रहने का जो हम ट्रेनिंग देते हैं हम सभी को वर्तमान में जीने का अभ्यास, क्योंकि हम लोग भूतकाल में या भविष्य की बातें करते हैं या रहते हैं, तो उससे क्या है हम वर्तमान में नहीं रह पाते, क्योंकि संसार हमारे मन में रहता है। जब तक ये संसार हमारे मन में रहेगा तब तक हम वास्तव में देखा जाए हम वर्तमान में रह ही नहीं सकते, हम जीवन में या हम अपने संपर्क में नहीं रह सकते।
हम अपने मन के संपर्क में रह ही नहीं सकते, हम किसके संपर्क में, संसार के संपर्क में। तो उसको ये बात जब उसको समझाई तब उसको उसके दिमाग में वो बात गई कि आपको मौन का जो पालन करोगे, मौन का पालन करने से आपको बहुत सारी जो मैं अच्छाई बताने वाला हूँ, मौन की जो गहराई बताने वाला हूँ, उससे अच्छा है कि आप खुद ही अनुभव लो, उसका अनुभव लो और 2 साल के बाद फिर मैं अपने आप ही आपके सवालों का जवाब दूंगा। ये बात सुनने के बाद उस युवक को बहुत सारी बातें भगवान बुद्ध के द्वारा बताई हुई समझ में आ गई और वो वापस आज बिहार में आ जाते हैं। और बिहार में आने के बाद उसने मौन का पालन बहुत ही गहराई से, बहुत ही कड़ाई से करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसमें काफी निखार आने लगा, वो वास्तव में बहुत शांत रहने लगा और 1 साल के बाद ही उसको काफी ऐसे अनुभव आने लगे शांत रहने के, उसके अंदर काफी अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करने लगा, बहुत ही ऊर्जा का संचार। क्योंकि हमारे जो मन के जो मन जो है, मन क्षण क्षण में हमारा चलायमान मन रहता है, कभी कहीं भागता है कभी भागता है, तो इससे क्या है कि हमारा मन क्या है कि ये एनर्जी होती है, तो ये एनर्जी का छराव या कहना चाहिए एनर्जी धीरे धीरे जैसे मन भागेगा तो वो ह्रास होता रहता है, या कहना चाहिए मन की एनर्जी कम होती रहती है। मन की एनर्जी कम हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि हम हमारे अंदर बहुत सारे थकावट, बहुत सारी मतलब एक तरह से नेगेटिव बातें घर कर जाती हैं और आदमी मतलब अपने संपर्क में नहीं रह पाता और उससे बहुत सारे अकुशल विचार आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बात उसने धीरे धीरे 1 साल जब हो गया तो ये सीख लिया उसने, तो उसने मौन का जो पालन है और कड़ाई से करना शुरू कर दिया, और कड़ाई से करना शुरू कर दिया। और वास्तव में वो धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जो आसपास के लोग हैं वो क्या करने वाले हैं, ये आदमी क्या बोलने वाला है या मुझे क्या कहना चाहिए, तो बहुत ही सेंसिटिवनेस मतलब कहना चाहिए वो अवेयरनेस की जो अवस्था है, अवेयरनेस उसके अंदर, उसके मन की जो अवेयरनेस है वो धीरे धीरे काफी बढ़ने लगी। और धीरे धीरे बढ़ते 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 एक समय ऐसा आया जब उसको 2 साल पूरे होने को आए, भगवान बुद्ध उसको बराबर वॉच कर रहे थे। और 2 साल के बाद जब उसने अपना जो है भगवान बुद्ध के पास गया, तो वो जैसे ही उनके पास जाते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है अभी आपको 2 साल पूरे हो गए हैं और आपके जो सवाल थे अभी आप मेरे से सवाल पूछ सकते हो, जो आपके सवाल आप लेके आए थे वो सवाल पूछ सकते हो। तब उस युवक ने कहा कि नहीं वो सवाल तो समाप्त हो गए, अब मेरे पास कोई सवाल नहीं है, अब मेरे पास सांसारिक कोई सवाल है ही नहीं और ये जो ईश्वर वाला सवाल है ये भी संसारी सवाल है, ये भी अध्यात्मिकता से इससे कोई संबंध नहीं है, तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है। और हाथ जोड़ के उन भगवान बुद्ध के पैरों में गिर जाता है कि आपने मेरी आंखें खोल दी। जैसे उसमें लिखा जाता है ना, बाबा साहब ने किताब में लिखा है कि जैसे ढके को उघाड़ दिया, मतलब जो अंधकार में था उसको अंधकार से निकाल करके वो उजाले की तरफ ले आए। तो इस तरह से उसको समझ में आ गया कि ठीक है ये ईश्वर नाम की सत्ता दुनिया में कोई होती नहीं है, इसलिए भगवान बुद्ध ने मेरे को अंधकार से बाहर निकाल लिया और उसके सारे सवाल समाप्त हो गए। तो इस तरह से मैं अपने एक प्रवचन में मैं बता रहा था और तब मेरे से किसी ने पूछा कि आप जो जैसे एकाग्रता के बारे में बताते हो, जो हम आनापान सती करते हैं, ध्यान करते हैं, आज भी मैं आनापान सती ध्यान लेने वाला हूं, तो किसी ने मेरे से पूछ लिया कि क्या ये आनापान सती के माध्यम से जैसे हमारा मन एकाग्र होता है, क्या इसके अलावा भी और कोई विधि है मन को एकाग्र करने की? तो मैंने कहा मन की बहुत सारी विधियां हैं, ये तो जो आनापान सती के माध्यम से जैसे हम अपने मन को एकाग्र करते हैं या मन के संपर्क में हम आते हैं, ये तो डायरेक्ट ऐसा होता है कि हमारा सांस और हमारा मन ये कोरिलेटेड है। और जैसे ही हम अपने मन को अपने सांस के साथ एकाग्र करते हैं या सांस के संपर्क में जैसे ही हमारा मन आता है, तो स्वाभाविक है कि हमारा सांस और हमारा मन एक हो जाते हैं, और जब एक हो जाते हैं तो वर्तमान में रहने का हमारा अभ्यास चालू हो जाता है।
और वर्तमान में जैसे हम मोमेंट में हम रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे जो एनर्जी है, जो हम हमारी मानसिक एनर्जी है या मन जो एक एनर्जेटिक तो है ही, एनर्जी तो है ही मन, तो ये एनर्जी का छड़ाव है या एनर्जी जो कम होने का जो मार्ग है वो रुक जाता है, और वो स्वाभाविक जो एनर्जी कहाँ रहती है, वो एनर्जी आदमी के अपने पास ही रहती है, आदमी के शरीर में रहेगी, आदमी के अपने पास रहती है, उसका मतलब ह्रास नहीं होता, वो एनर्जी जो है हमारे पास बढ़ती रहती है, रीस्टोर होती रहती है। तो उसको फिर मुझे बताना पड़ा कि इस मन को एकाग्र करने के लिए, जैसे मान लो आप चलते समय भी आप एकाग्र हो सकते हो, आप खाना खाते समय भी एकाग्र हो सकते हो, या मान लो आप जैसे कोई वाहन चला रहे हो, आप कोई भी जैसे मान लो टू व्हीलर चलाते हैं, बहुत से लोग टू व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, बहुत से साइकिल चलाते हैं, मान लो आप टू व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर चलाते चलाते आपने क्या क्या काम करा कि वो टू व्हीलर को जैसे आपने स्टार्ट किया और चालू कर दिया, आप अपने गंतव्य पे जा रहे हैं, कहीं मंजिल पे जा रहे हैं, तो जाते समय क्या होगा कि आपका बॉडी, आपका मन और वो व्हीकल जो भी आप बाइक ले रहे हो, तो ये तीनों मतलब एक यूनिट बन जाते हैं, एक यूनिट। तो जैसे ही हम बराबर से किसी को बाईपास करना है, बाईपास करके आगे निकलना उससे, तो मतलब हमारे मन को आदेश नहीं देना पड़ता कि अभी स्पीड स्लो करनी है, गियर चेंज करना है, ऑटोमेटिक वो स्पीड स्लो होगी, गियर चेंज होगा, और फिर उससे बाईपास करने, फिर उसके बाद गियर चेंज होगा, फिर स्पीड बढ़ जाएगी। ऐसे ही सामने से कुछ वाहन आ रहा है तो अपने आप ही अपने आप को कैसे बचाना है, तो ये मन को आदेश नहीं देना पड़ता। तो ये हमारा हमारा माइंड, हमारी बॉडी और ये व्हीकल, ये तीनों एक यूनिट बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारी जो एकाग्रता है वो बढ़ जाती है, और उस समय क्या होता है कि एक्सीडेंट के चांस जो है, एक्सीडेंट के चांस 0% हो जाता है, मतलब एक्सीडेंट होने के चांस नहीं रहते। तो ये एकाग्रता इस तरह भी बढ़ती है, एकाग्रता ऐसी बढ़ती है जैसे हम चल रहे हैं, जैसे वॉकिंग कर रहे हैं, तो वॉकिंग करते समय मैं जो अक्सर बताया करता हूँ, वॉकिंग करते समय हम क्या देखना है कि जैसे हमारे हम दोनों पैर से हम जैसे चलते ही हैं, तो एक पैर जैसे उठाते हैं फिर दूसरी जगह दूसरा रखते हैं, जमीन पर रखते हैं, तो एक पैर का स्पर्श तो पहले है, फिर दूसरे पैर का जो स्पर्श आगे नष्ट हम रखेंगे, तो जो स्पर्श जो हो रहा है, तो स्पर्श होते के साथ ही हमें कुछ वेदना संवेदना हमारे पैरों के नीचे जमीन से टच होने के बाद हमें महसूस होती है, हमें उन वेदना संवेदनाओं को जो महसूस करते हैं, तो उन वेदना संवेदनाओं के साथ ही हमें वॉकिंग करनी है। तो जैसे ही हमारा बॉडी और हमारा जमीन से स्पर्श और वो जो वेदना संवेदना, तो इनके माध्यम से हम क्या है, हम कंसंट्रेट करते हैं अपने आप को, हम तो जैसे वेदनाओं के माध्यम से, संवेदनाओं के माध्यम से हम अपने मन को कंसंट्रेट करेंगे, तो वैसे ही हमारा जो एकाग्रता हमारी बढ़ती जाएगी। तो एकाग्रता हम किसी भी मोमेंट पर कर सकते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे भी एकाग्र हो सकते हैं, जैसे हम प्रवचन कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो वास्तव में प्रवचन करते समय तो मैं भी एकाग्र हो सकता हूँ, और मैं प्रयास कर रहा हूँ एकाग्र होने के लिए, और आप सुनते समय एकाग्र हो सकते हो, मतलब आप बाह्य दुनिया से कट ऑफ हो सकते हो, जैसे आप घर में क्या हो रहा है उसमें उसकी तरफ ना जा करके पूरे 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 व्यक्तित्व के साथ आप मतलब सुन सकते हो। तो जिसे कहते हैं श्रुत में प्रज्ञा, तो श्रुत में प्रज्ञा का वो मतलब विकास कर सकते हो, पूरी तरह से सुन सकते हो। तो इस तरह से आदमी एकाग्र होता है। तो जैसे हमारे भंते जी खुद बताते हैं, भंते जी बताते हैं कि मतलब एकाग्रता से मतलब ध्यान करने से क्या फायदा होता है, ध्यान करने से हमें ये फायदा होता है कि हमारा जो एकाग्रता है, एक तो सबसे पहले एकाग्रता बढ़ती है, जैसे हम मेडिटेशन करेंगे एकाग्रता आएगी, और एकाग्रता के साथ ही जो मतलब एक बोधिचित्त की अवस्था यह कहना चाहिए, उससे हमारा जो प्रज्ञा का विकास, एक मानसिक विकास यह कहना चाहिए, मन की एक हायर अवस्था से हमारा जुड़ाव हो जाता है, मतलब एक तरह से हम उस हायर मानसिक अवस्था से हमारा क्या है कनेक्ट हो जाते हैं, उस मानसिक अवस्था से कनेक्ट हो जाते हैं जो आध्यात्मिक अवस्था होती है। तो ये मतलब भंती जी ने बताया कि ये ध्यान से ये फायदा होता है।
और भी बहुत से जो ध्यानी लोग हैं वो अपने ध्यान के बारे में अनुभव बताते हैं कि ध्यान से अनुभव क्या होता है। ध्यान से अनुभव ये होता है कि आदमी मतलब मौन हो जाता है, एकाग्रता के साथ मौन हो जाता है। तो फिर मौन में फायदा क्या है, मौन से क्या फायदा होता है आदमी को? मौन से फायदा ये होता है कि आदमी की जो एनर्जी है, जो मन की एनर्जी है, मन क्या, मन एक एनर्जी है, तो एनर्जी, इस एनर्जी का आदमी का रिस्टोर होना शुरू हो जाता है, या रिस्टोर होने के बाद फिर वो अपने जिस आध्यात्मिक लेवल को अचीव करना चाहता है, या मान लो जो जो सांसारिक जो समस्याएं हैं, सांसारिक जो बातें हैं, जो संसार किस तरह से ये अस्तित्व में आया, उसके बारे में जब आदमी एकाग्र होने के बाद जो चिंतन करता है, चिंतन करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, तो वो उसके इसको समझ जाता है, या कहना चाहिए इस चक्र को समझ, उसको ये सांसारिक जो चक्र है, ये मतलब ये दुख का जो चक्र है, या कहना चाहिए जो अध्यात्म का जो चक्र है, वो वास्तव में उसको अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ जाता है, पूरी तरह से आत्मसात कर लेता है। और जैसे ही आदमी इस चीज को आत्मसात करेगा तो उसके वो मौन होना शुरू हो जाएगा, उसको बोलना अच्छा नहीं लगता, उसको जो आदमी मौन वास्तव में मौन हो जाता है, समझो कि वो हर बात, आप उसके सामने आ जाइए, वो मौन जो व्यक्ति हमेशा मौन रहता है, तो सामने आते के साथ ही वो मौन वाला व्यक्ति उस तुरंत आपकी बात को समझ जाएगा। आप हल्के से एक सेंटेंस ही बोलो, वो तुरंत समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो, और ये भी समझ जाएगा कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो क्योंकि वो प्रॉब्लम को हल करके बैठा हुआ है, इसलिए वो हर इंसान की प्रॉब्लम को जानता है। इसलिए आदमी जो इस तरह के वातावरण से निकल करके हायर मानसिक अवस्था में आ जाता है, तो स्वाभाविक है कि वो आदमी मौन का पालन तो और रहने का, जैसे हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध को जैसे ही एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध को जैसे ही बोधि की प्राप्ति हुई थी, हमने देखा कि भगवान बुद्ध एक सप्ताह तक वो मौन ही रहे थे। उन्होंने कुछ एक शब्द भी नहीं बोला था, वो उस मौन का इतना जबरदस्त आनंद ले रहे थे कि उन्होंने कहा कि मैं संसार का जो सार है, जो दुनिया का सार है, जिस दुनिया जिससे परेशान रहती है, दुनिया जिससे दुखी रहती है, उसको मैंने जान लिया है। कैसे कैसे ये तृष्णा रूपी जो घर बनाता है बार बार हमारा मन, तो उस मन को, उस मन रूपी जो घर है, उन्होंने भगवान बुद्ध ने उसको नष्ट कर दिया, उसको ढा दिया कि ये कभी घर नहीं बना पाएगा। तो ऐसे जब ऐसी भगवान बुद्ध की अवस्था हायर मानसिक अवस्था हो गई, तो तब वास्तव में वो मौन हो गए थे और उन्हें बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। ये तो बाद में उनका जो एक उन्होंने चिंतन मनन किया कि उन्होंने सोचा कि ये संसार बहुत दुखी है, और दुखी इस संसार दुखी है, और यदि मैं अपने तक ही आनंदित रहा, तो जो मेरे पास नया मार्ग जो आया है, जो मैंने नया मार्ग अभी जिसका आविष्कारक मैं स्वयं हूं, तो उसको यदि लोगों को बताऊंगा नहीं, तो ये संसार अंधकार में ही रहेगा। तो तब उन्होंने फिर काफी चिंतन मनन किया, भगवान बुद्ध ने काफी चिंतन मनन किया, उन्होंने ये सोचा कि मैं ये, क्योंकि ये संसारी लोग हैं, इनको यदि मैं अपनी बात बता आध्यात्मिक बातें बताऊंगा, तो ये तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि संसार में इनका मन जो इन्वॉल्वमेंट है, तो संसार में इनका मन लगा हुआ है, जो संसारी आदमी है वो आध्यात्मिक बातें नहीं समझ पाएगा। तो फिर उन्होंने चिंतन किया कि कौन आदमी मेरी बात को समझ पाएगा। तो फिर धीरे धीरे चिंतन करने के बाद उन्होंने पता है जो मेरे पांच मेरे मेरे जो गुरु रहे, सबसे पहले जो मैं उन गुरु को मतलब बताने का, लेकिन बाद में पता लगा उनका तो शरीर पूरा हो चुका, तो वो तो अभी रहे नहीं। तो उन्होंने धीरे धीरे जब उन्होंने देखा कि मेरे गुरुजी भी नहीं रहे, तो फिर उन्होंने देखा कि जो मेरे पांच बहुत ही अच्छे शिष्य रहे, जो उन्होंने मेरी रात दिन बहुत सेवा करी है, बहुत जबरदस्त सेवा करी है, क्यों ना मैं उनको ही दूं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बुद्ध ने मतलब उनके अंदर एक करुणा का भाव आया। करुणा का भाव हम जानते हैं, हम ये सब जानते हैं करुणा का भाव कैसे आता है, क्योंकि जब मैत्री दुख के संपर्क में आती है तो करुणा का उद्गम होता है। तो ऐसे भगवान बुद्ध ने देखा ये संसार जो है दुख में है, तो उस दुख को दूर करने के लिए उन्होंने फिर चल करके वहां पर
सारनाथ आते हैं, और सारनाथ आने के बाद वो सही माने हम सब, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। तो ये जो मार्ग है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, वास्तव में देखा जाए बहुत ही निराला मार्ग है। दुनिया में इसके बराबर कोई अच्छा मार्ग है नहीं। तो इसको इस मार्ग को बताने के लिए भगवान बुद्ध ने, जैसे हम कहते हैं ना धम्म चक्र प्रवर्तनाय दिवस, जो हम सारनाथ में पहली बार तो भगवान बुद्ध ने वो पहली बार मतलब उसको दिया, और ये देने पर पूरे संसार में आज हम देखते हैं कि इसका जो प्रचार प्रसार है, पूरे संसार में इसका प्रचार प्रसार हो चुका है। तो ये मैं बताने का मेरा पर्पज ये है कि ये जो हमारा मन है, तो मन का प्रोसेस, मन कैसे अस्तित्व में आता है, मन कैसे कार्य करता है, केवल इसको समझने मात्र से ही सारे संसार की प्रॉब्लम आप हल कर सकते हो। तो मन को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान कुछ नहीं, जैसे मैं बताया करता हूँ, ध्यान कुछ नहीं, ये वर्तमान में रहने का एक अभ्यास है। भंती जी ने बताया कि मन ध्यान के माध्यम से हमारा मन एकाग्र होता है और बोधिचित्त की प्राप्ति होती है। तो ये भंती जी बताते हैं ऐसा। तो इससे क्या है, मतलब और दूसरे लोग जो ध्यानी लोग हैं, आप उनसे संपर्क करोगे, वो कहेंगे हम एकाग्रता तो आती है, साथ में क्या है, हमारा मन जो वो मौन हो जाता है। तो मौन और ध्यान दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तब भी हम मौन में रहते हैं, और वास्तविक मौन जो होता है ध्यान के बाद, वास्तव में आदमी जब उस प्रॉब्लम को समझता है, अपने मन को समझता है कि कैसे करता है, कैसे प्रॉब्लम में आता है, जब उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, जब उस प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाता है, मानसिक उठता है, तब वास्तव में आदमी का मन मौन हो जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि वास्तव में मौन का जो प्रयोग है, आप सभी भी अपने अपने घर में प्रयोग करके देखो। आप एक दिन के लिए, दो दिन के लिए आप मौन में रहने का प्रयास करो। वास्तव में मौन में रहने का जो प्रयास करता है, वो वास्तव में जो आपकी मन की हमारे बोलने से बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो ये एनर्जी बहुत बहुत तेजी से लगती है। उस एनर्जी को वास्तव में रिस्टोर करने के लिए, ये एनर्जी हमारी वेस्ट ना जाए, इसलिए इसको मौन का पालन करो। मौन का पालन जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, वास्तव में बहुत ही आप अवेयरनेस की जो हम बताते ना, अवेयरनेस लाओ, होश में आओ, तो वो जो होशपूर्ण जीवन जीने का जो प्रक्रिया प्रोसेस है, वो धीरे धीरे हमारे जीवन में स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, केवल मौन मात्र से। तो जैसे आप घर में मौन का आचरण शुरू कर दो, मैं बोलूंगा नहीं, मैं इशारे से बात करूं बता दूंगा, बाद में क्या इशारा भी बंद हो जाएगा। आप जो है, आप कभी भी मियां बीवी करके देख लीजिए, हम जो है एक दिन दो दिन मौन का पालन करेंगे, उसके बाद जो आप इतने सेंसिटिव आ जाएगी, सेंसिटिवनेस आ जाएगी आपके अंदर, आप खुद ही समझने लगोगे कि उसको क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए। आपस में एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि बिना कहे आदमी समझना शुरू हो जाता है। तो यही तो चाहिए। और जब जो आदमी ऐसे पॉजिटिव वातावरण जब घर का बनेगा, तो वास्तव में हम यही तो चाहते हैं कि हर एक घर का वातावरण पॉजिटिव बने, और पॉजिटिव वातावरण जिस घर का होता है, तो वास्तव में उस घर का विकास निश्चित रूप से होगा, वो घर का विकास कोई रोक नहीं सकता। तो यही इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि आप भी मौन का आचरण करिए, और मेरे इन छोटा सा प्रवचन के माध्यम से जो मैंने बताने का मैं प्रयास किया है, मौन की महत्ता समझिए, मौन की ऊर्जा को समझिए। तो मौन रहने के महत्व को समझ करके उसका आचरण में लाइए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन लिया, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।